तो कुछ ही दिनों में जन्माष्टमी आने वाली है। सबने अपनी अपनी तैयारियां तो शुरू कर ही दी होंगी। तो मैंने भी जन्माष्टमी के लिए कुछ क्यूट क्यूट से और इजी से DIY बनाए हैं, जिसके लिए मैंने वेस्ट बॉटल का और कुछ कार्डबोर्ड के पीसेस का यूज़ किया है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अपने फर्स्ट DIY के लिए मैंने यहाँ पर ये वेस्ट बॉटल ली है। ये कफ सिरप की बॉटल है, आई थिंक, मुझे याद नहीं है, बट मैंने इसे रख रखा था संभाल के। और इसके बाद मैं ले रही हूँ ये एल्युमिनियम फॉयल, और एल्युमिनियम फॉयल से जो इसका टॉप है ना, उसे मेरे को एक राउंड शेप में देना है, तो मैंने वैसे ही फॉयल को इसके ऊपर लपेट दिया है। लपेटने के बाद इसमें एक परफेक्ट राउंड शेप दे देंगे, थोड़ा सा फिनिशिंग देंगे इसे अच्छे से, ताकि इसके ऊपर हम क्ले लगाएं तो वो अच्छे से लग जाए। इसके बाद हम लेंगे क्ले और क्ले को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे रोल कर लेंगे, इसे रोटी की तरह बेल लेंगे, बट ध्यान रहे इसे ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इसे फॉइल के ऊपर कवर करना है। तो ये होने के बाद सबसे पहले तो फॉइल के ऊपर हम ग्लू लगा लेंगे, अच्छी तरह से ग्लू लगाएंगे, फिर इसे क्ले को कवर कर देंगे, अच्छी तरह से इसे शेप देंगे, और जो भी एक्स्ट्रा का पार्ट है ना, उसे कट करके अलग कर लेंगे, ताकि जो शेप है उसका वो काफ़ी परफेक्ट हो। और इसके सरफेस को स्मूथ करने के लिए पानी या फिर पाउडर का यूज़ करेंगे और अच्छे से इसके सरफेस को स्मूथ कर लेंगे। इसके बाद मैंने थोड़ी डिटेलिंग और ऐड करी है यहाँ पर, जिसके लिए मैंने हैंड बनाए हैं और उन्हें स्टिक कर दिया है। और हम बना रहे हैं कान्हा जी क्यूट से, तो उनके लिए मैंने एक छोटी सी बांसुरी भी उनके हाथ में पकड़ा दी है। इसके बाद क्ले का ही यूज़ करके मैंने इनकी जो ड्रेस होती है वो ड्रेस भी बना दी है यहाँ पर, और जो भी छोटी मोटी डिटेलिंग होती है वो क्ले का यूज़ करके कंप्लीट कर ली है। तो अभी ये कम्प्लीटली ड्राई हो गया है। अब सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर जेसो का एक कोट अप्लाई करूँगी, ताकि फिर जो हम कलर करें वो कलर अच्छे से खिल कर आए। ये होने के बाद इसके ऊपर कलर करना स्टार्ट करेंगे। तो जो कलर होता है, मैं यहाँ पर एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ, और कान्हा जी का जो कलर होता है वो शेड मैंने इसके ऊपर किया है, और उनकी ड्रेस के लिए मैंने येलो कलर का यूज़ किया है। इसकी ड्रेस में मैंने थोड़ी बहुत डिटेलिंग भी ऐड करी है यहाँ पर, और पूरे में कलर कर दिया है। इनके बालों के लिए मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर का यूज़ किया है, और थोड़े सा बालों में अच्छे सी फिनिशिंग दे दी है यहाँ फेस के लिए। तो कलरिंग तो कंप्लीट हो गई है, अभी मैंने यहाँ पर इनकी आईज़ बना दी है, और इसके बाद इनकी ज्वेलरी बनाई है। ज्वेलरी के लिए मैंने पहले तो वाइट कलर का यूज़ किया था, बट फिर वो मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, इसीलिए मैंने बॉल चेन रखी हुई थी मेरे पास, मैंने उसका यूज़ किया, तो वो बॉल चेन से मैंने यहाँ पर इनकी ज्वेलरी बना दी है। बालों में जो जूड़ा बनाया है वहाँ पर भी मैंने यही चेन लगा दी है, छोटे से कुंदन लगा दिए हैं, और बस इतनी सी डिटेलिंग में हमारे कान्हा जी बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और ये अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, इनके लिए मैंने एक छोटा सा मोरपंख भी बनाया था, जो कि क्ले का यूज़ करके मैंने बनाया था, तो वो मोरपंख भी इनके बालों में लगा देंगे, तभी तो ये कंप्लीट होंगे। तो बस बहुत ही जल्दी हमारे क्यूट से प्यारे से कान्हा जी बनकर रेडी हो गए हैं। अब कान्हा जी तो बन गए हैं, इन्हें ऐसे ही तो रख नहीं सकते हैं, तो चलो इनके लिए एक प्यारा सा और आसान सा सुंदर सा आसन बनाते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी ये कार्डबोर्ड।
तो मैंने इस शेप के कार्डबोर्ड का 4 पीस लिया था और उन चारों को आपस में ग्लू से स्टिक कर देंगे। इसके बाद मैंने एक झरोखा पैटर्न में भी कार्डबोर्ड कट किया था, उसके मैंने 2 पीस कट किए थे तो उसे भी स्टिक कर देंगे। ये होने के बाद इन सभी के ऊपर कलर करेंगे। मैं एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ और मैंने यहाँ पर जैसो नहीं यूज़ किया, मैंने डायरेक्ट कलर यूज़ कर दिया। दोनों पीस पर अच्छे से कलर के 2 कोट अप्लाई कर देंगे और ड्राई कर लेंगे। ये होने के बाद मेरे पास एक इनविटेशन कार्ड रखा हुआ था जिसमें ये एक जाली वाला पैटर्न था जो कि काफ़ी अच्छा था, तो मैं इसका यूज़ करूँगी। इसे मैं कट कर लूँगी, फिर जो मैंने झरोखा वाला कार्डबोर्ड शेप कट किया है उसे मैं इसके ऊपर ट्रेस कर लूँगी। ट्रेस करने के बाद इसे भी कट कर लेंगे। तो अभी ये कट हो गया है, इसे मैं अच्छे से ग्लू लगाकर जो हमने झरोखा पैटर्न बनाया था उसके ऊपर स्टिक कर देंगे कुछ इस तरह से। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पर थोड़े से मिरर्स का भी यूज़ करूँगी और जो पैटर्न में गैप है वहाँ पर छोटे छोटे से मिरर्स लगा रही हूँ। मिरर्स लगाने के बाद मैंने यहाँ पर लेस ली है, मेरे पास रखी हुई थी, तो ये लेस को भी मैं इसके साइड में कुछ इस तरह से लगा दूंगी जिससे इसका लुक और अच्छा आ जाएगा और जो भी इसके एजेस हैं वो कवर हो जाएंगे। मैंने ग्लू गन का यूज़ किया है ये लेस को चिपकाने के लिए। तो फर्स्ट वाला जो पीस है वो तो मैंने कंप्लीट कर लिया है, सेम इसी तरह से जो दूसरा वाला पीस है उस पर भी मैं यही वाला लेस लगा दूंगी। तो अभी दोनों पीसेस में लेस लगाकर इन्हें कंप्लीट कर लिया है। अब इन दोनों पीसेस को ग्लू गन के यूज़ करके मैं आपस में स्टिक कर लूँगी कुछ इस तरह से। ये हो गया है। अब फाइनल में डिटेलिंग देने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ वाइट कलर के डॉट्स का यूज़ किया था और बस इतने में ही हमारा ये आसन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और हमारे कान्हा जी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा आसन बनकर रेडी हो गया है। लास्ट में मैंने यहाँ पर ये मटकी ली थी, इसे मैंने काफ़ी टाइम पहले कलर किया था, तो इस मटकी का भी मैं यूज़ करूँगी। इसमें मैंने कॉटन फिल कर दी है और ये मेरे पास एक बांसुरी रखी हुई थी जिसमें मोरपंख मैंने बनाया था काफ़ी टाइम पहले, तो इसे भी इसमें लगा दिया है। और चलो देखते हैं अभी इसका फाइनल लुक। आज की जन्माष्टमी स्पेशल वीडियो में बस इतना ही। आपको ये दोनों DIY कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट से भरे ऐसे ही किसी न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।